हेलो व्यूअर्स, आशा है आप लोग ने सब लोग ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसकी डेट तो एक्सटेंड हो गई है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वही पोजीशन आ जाएगी जो आज आपकी है। इसके अलावा 10 रूल टैक्स के चेंज हो गए हैं, तो आशा करते हैं आप उन रूल्स को अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आप आगे की ट्रांजेक्शन को अच्छा कर पाइए। बाय डिफॉल्ट टैक्स का रेजिम स्टार्ट हो गया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और पुराने मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पुराने मेथड को यूज़ करिएगा तो पुराने ढंग से काम करिएगा, और नया मेथड में बाय डिफॉल्ट टैक्स मेथड आ गया है। टैक्स एग्जम्पशन अब जो पहले 5 लाख पे था, अब 7 लाख पे है, तो ये गुड न्यूज़ है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 15.5 लाख पे आपको 52,500 का डिडक्शन देना पड़ेगा। अगर आप ज्वेलर्स हैं तो आपके जितनी भी ज्वेलरी हैं उसमें 4 डिजिट की जो ज्वेलरी पे मार्क था, हॉल मार्क था, वो अब 6 डिजिट का हो गया है, तो आप पुराने ज्वेलरी को जिसपे 4 डिजिट मार्क है नहीं बेच पाइएगा, तो उसको आप जल्द से जल्द 6 डिजिट में कन्वर्ट, अल्फा न्यूमरिक डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। रोड ट्रेवल भी आपका महंगा हो गया क्योंकि टोल टैक्स आपका बढ़ गया है, तो जो लोग ज़्यादा ट्रेवल करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा, या जिसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसके लिए भी अब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टोल टैक्स जो है वो 18% तक इंक्रीज हो गया है। UPI ट्रांजेक्शन भी कॉस्टली हुआ मर्चेंट्स लोग के लिए, ना कि जनरल लोगों के लिए, तो आम आदमियों को नहीं पेमेंट करना पड़ेगा 2000 के ऊपर का पेमेंट करने में, लेकिन अगर मर्चेंट 2000 से ऊपर का पेमेंट लेता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि प्री पेड इंस्ट्रूमेंट मेथड के थ्रू नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने टैक्स को इम्प्लीमेंट किया है UPI ट्रांजेक्शन में। तो UPI ट्रांजेक्शन करने में आपको उतना नहीं पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स, जितना कि मर्चेंट लोगों को, जो आपसे पैसा लेगा, आप किसी से सामान खरीदते हैं और 2000 के ऊपर सामान खरीदते हैं तो उस मर्चेंट को देना पड़ेगा। अब कार की भी प्राइस बढ़ जाएगी, जिससे कि कार खरीदना कॉस्टली हो जाएगा। जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और कार ले रहे हैं तो उनके लिए टैक्स बढ़ जाएगा। अगर आप LIC की प्रीमियम भरते हैं और LIC की पॉलिसी ले रखा है आपने, तो यूलिप को छोड़ कर, यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस प्लान को छोड़कर, अगर 5 लाख से ऊपर की LIC आपके पास है तो उस पर टैक्स बढ़ जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। अगर फिजिकल गोल्ड रिसीप आपके पास है तो अब वो डिजिटल फॉर्म में रिसीप मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपको डिजिटल रिसीट रखनी पड़ेगी अपने गोल्ड की इंफॉर्मेशन देने के लिए। म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं ले सकते हैं। और जो सिंपल म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है उसमें जो गेन आपका होता है उस पर टैक्स लगेगा। LPG भी आपका महंगा हो जाएगा, हो सकता है अपडेट हो जाए इसकी प्राइस, तो आपको जनरल यूज़ के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा LPG के लिए, और उसके बिना कोई भी अपने घर का खाना नहीं बना सकता है। तो इस तरह से ये 10 रूल बने हैं टैक्स से रिलेटेड, जिनको आपको जानना ज़रूरी है, और इसके हिसाब से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की आदत UPI ट्रांजेक्शन की पड़ गई है, लोग अब कैश पेमेंट कम करना चाहते हैं और UPI से ही करते हैं, जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और भी तरह तरह के UPI डिफरेंट ऐप्स के हैं, तो आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मर्चेंट्स को समझना पड़ेगा कि वो
यूपीआई से पेमेंट ले या ना ले, उसके लिए यही आप कर सकते हैं कि आप अपने बैंक से उन मर्चेंट्स को पेमेंट करिए, ना कि यूपीआई से, जिससे कि वो लोग भी यूपीआई पेमेंट से के टैक्स से बच सकें। तो यूपीआई का पेमेंट जो है वो बहुत लोगों को आदत पड़ गई है, तो आप उसको अवॉइड करिए। मर्चेंट्स लोगों के लिए स्पेशली अवॉइड करिए, उससे आप मत पेमेंट लीजिए। आप या तो कैश लीजिए या तो बैंक के थ्रू पेमेंट लीजिए। यूपीआई हम लोग भी यूट्यूब पे बहुत अधिक यूज़ करते हैं, और लोग यूपीआई के थ्रू डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, डिफरेंट अर्निंग एप्स पे यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, जनरल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट मत करिए, अगर पेमेंट मत लीजिए, और बैंक अकाउंट के थ्रू अपना पेमेंट को लीजिए। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। अगर आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की नॉलेज, जो करंट नॉलेज आती रहती है, वो जो आपके जनरली खर्चों और जनरल यूज़ की चीज़ों के लिए है, वो आपको हम देते रहते हैं, जिससे कि आप YouTube पे प्रॉपर काम कर पाइए। सो थैंक यू व्यूअर, सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू।